जिला चंबा के उपमंडल सलोनी के स्वास्थ्य खंड के हार में कोरोना वायरस ने फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जहां 3 ताजा मामले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खंड चिकित्सा अधिकारी के हार डॉक्टर मनोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा खंड के हार से कुल 63 सैंपल जाँच को भेजे थे, जिनमें से 3 सैंपल कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए मामलों में एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, जो किहार में ठेकेदार के साथ मजदूरी कर रहा था और गत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए अपने साथी युवक के संपर्क में आया था, जो होम क्वारंटाइन किया था। दूसरा मामला भी किहार पंचायत के सरोग गांव का है, जहां एक युवक दिल्ली से आया था और इन दिनों होम क्वारंटाइन में था। जबकि तीसरे मामले में कंधवारा पंचायत के कंधवारा गाँव की आशा वर्कर शामिल है, मगर इनकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और इन सबको कोविड केयर सेंटर बालू भेज दिया गया है। वहीं इन मामलों को देखते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा समूची केहार पंचायत व कंधवारा पंचायत के गांव कंधवारा को पूरी तरह सील कर दिया है। उधर SDM सलोनी किरण भड़ाना ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव के ताजा मामलों को देखते हुए उन्होंने समूची केहार पंचायत व कंधवारा पंचायत के कंधवारा गाँव को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हैं और आगामी आदेशों तक उक्त केहार पंचायत व कंधवारा गांव में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी, जिस पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से घबराएं नहीं बल्कि सावधानी बरतें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। हिमाचल तेज खबर के लिए सलोनी से ब्यूरो रिपोर्ट।